धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी बख्शी करके सानू समझांदे ने महाराज कहिंदे मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। ए मन तू जोत स्वरूप है परमात्मा दी जोत आ तू ओदा रूप है ते अपने आप दी पहचान कर अपने आप नू समझन दा जतन करके तू है की। ते गुरु साहब सच्चे पातशाह जी कृपा करन प्यारे साडा मूल जिहड़ा है रब आ परमात्मा है। मैं अगे भी एक दो बार बेनती की थी मशकीन जी नू किसी ने पूछा सी मशकीन जी तुसी बड़े सियाने हो बड़े खुब के कथा करन वाले हो तुहानू बड़ा ज्ञान है ते मेरे ते एक कृपा करो मैं तुहानू अपना हाथ विखाणा है मेरा भविख दसो। तो वह कह लगे तेनू मेरे को आन की लोड़ नहीं मैं हूने ही चुटकी दे विच तेरा भविख दस देंगा। बड़ा खुश होया कहिंदा जी तुसी इत्थों ही फोन ते दस दोगे। कहन लगे महापुरु कहिंदे मशकीन जी आख लगे हाँ फोन ते तेरा भविख दस दांगा तेरा हाथ वेखन की लोड़ नहीं तेरा इन्नी। कह लगे पूरी सृष्टि का जिहड़ा भविख आ वह मैं दस दांगा इको चुटकी दे नाल ही। आख लगे दसो फिर कहन लगे तेरा भविख पूरी सृष्टि का भविख की है रब हो जाना। एक दिन मूल दे विच समा जाना प्रभु दे विच जिथों आए उत्थे समा जाना एक अखीरला भविख साडा ये है जिहड़ा आउण वाला समा जिहड़ा भविख साडा प्यारे। ते महाराज सच्चे पातशाह जी कृपा करन उस परमात्मा दे नाल जुड़ जाना ये साडा भविख है। सतगुरु पातशाह कहिंदे तू अपने सोमे दे नाल मूल दे नाल जुड़ जा प्रभु दे नाल जुड़ जा। धन गुरु साहब सच्चे पातशाह जी ने कृपा करके सानू समझाया कि अपना मूल पछाण प्यारियों जिहड़ी आग्या उहदा मूल है सूरज तपश। वो जदों वेखो कि तुसीं दीवा बालोगे जां चुल्हियां दे विच जां गैस दे विच किते वी अग बालोगे ते तां नूं उड्डण दी जो कोशिश करदी अग जिहड़ी तां नूं जांदी आ। क्यों? क्योंकि उहदा मूल तां आ सूरज आ। ते पाणी जिहड़ा प्यारियों कहिंदे समुंदर वल नूं दौड़दा जदों नीवीं जगह वल नूं दौड़दा है नीवीं जगह वालों क्यों? क्योंकि पानी जड़ा धरती दे हेठा है। इस करके जो भी तुसी पानी वेखोगे थां नूं जाएगा नीवीं जगह वालों उदा मूल जड़ा हेठा जमीन दे विच आ। ते गुरु साहब कृपा करन जेकर पानी जड़ा है जिन्ना चिर प्यारे नूं अपना मूल प्राप्त नहीं हुंदा वह दौड़दा रहिंदा। अग जिहड़ी आ जिन्ना चिर सोमे तक पहुँचदी नहीं वेखो तुसी हिलदी रहिंदी कोशिश करदे उत्थों तक पहुँचण दी। इदां गुरु साहब कहिंदे तेरा मूल परमात्मा है प्रभु है जिन्ना चिर तैनूं उहदी प्राप्ति नहीं हुंदी तूं वी कोशिश करदा रहि उहदे तक पहुँचण दी उहनूं खोजण दी उहदी भाल करन दी कोशिश करदा रहि। ते मारे कृपा करन किते भटकण दी लोड़ नहीं उहदी पालणा करन वास्ते। गुरु साहब कहिंदे अपने अंदर दे नाल ही जुड़ जा इत्थों ही तैनूं लभ जाणा सब कुछ तेरे अंदर ही है। जो ब्रह मंडे सोई पिंडे जो खोजै सो पावै पीपा परणवै परम तत् है सतगुरु ये लिखावै। गुरु साहब कहिंदे जो ब्रह्मांड दे विच आ वह तेरे अंदर भी वस रहा इस करके खोजना करेगा तो तेनों प्राप्ति हो जाएगी। सो गुरु साहब सच्चे पातशाह जी ने प्यारो ये सानू समझाया कि वाहिगुरु परमेश्वर के चरणों के नाल जुड़ वो तेरा मूल है। एक बारी ना एक राजा प्यारो वो कोल ना एक बंदा चलिया गया लाला लाला कह लो जां शाह कह लो चलिया गया। उन्हें जाके आख्या राजन तुहाडे राज भाग दे विच मेरे नाल बड़ा धक्का हो रहा। कहिंदा तेरे नाल शाह की दा धक्का हो गया तेरे नाल किहड़ा धक्का किसी ने कर दिता है। वो कहन लगा राजा फलाने व्यक्ति नूं मैं 10,000 रुपया व्याजी दिता सी उन्हें मोड़िया नहीं तो व्याज बनता बनता 10,000 तो 1,00,000 बन गया तो मैं अज भी उन्होंने कहना मेरे पैसे मोड़ो मोड़ा नहीं तो मैं थोड़े को पुकार कर आया वहाँ मेरी बेनती प्रवान करो तो मैनू मेरे पैसे दवाओ। प्यारे राजे ने उस बंदे बुलाया जिन्हें कर्जा लिया से आखन लगे भाई तेरी शिकायत आई है तू ये पैसे क्यों नहीं मोड़ा। वो कह लगा राजा इदा करो मैनू थोड़ी जी रियायत दवा दौ इनू कह दौ 10,000 तो 1,00,000 बन गया तो हूँ गांह ब्याज लाना बंद कर दे मैं हौली हौली किश्तों के सारे मोड़ देंगा जे गांह ब्याज लगता रहा मेथों नहीं मुड़ने। इनू कहो 10,000 का 1,00,000 बन गया बंद कर दे तो मैं हूँ इतों तेनू मोड़ने वापस कर बंद कर देंगा।
ਪਿਆਰੋ ਰਾਜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਿਆਤ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਛੱਡਾਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਾ 90,000 ਰੁਪਇਆ ਵਿਆਜ ਬਣਿਆ, ਵਿਆਜ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਹਾਂ 10,000 ਮੂਲ ਆ, ਮੂਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਰਾਜਾ ਜਾ, ਮੈਂ 10,000 ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਾ ਫਿਰ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੂਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਬਣਿਆ ਤੇਰਾ, ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੂਲ ਹੀ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਆਜ ਕਾਹਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਕੇ 90,000 ਤੂੰ 10,000 ਘੱਟ ਦੇ ਦੇਈਂ, ਤੂੰ ਮੂਲ ਛੱਡਦਾ ਏ, ਮੂਲ ਛੱਡਿਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਤੇਰਾ ਮੂਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਏ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ।